प्रोफेशनल को छोड़कर घरेलू लड़की पसंद करना। मेरे दोस्त को एक लड़की पसंद है, वो वहां निकाह का पैगाम भिजवाना चाहता है। इसने लड़की के घर वालों से बात की है और लड़की भी इसे पसंद करती है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि लड़के के जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि हमें लड़के की शादी किसी डॉक्टर या इंजीनियर लड़की से करवानी है। चैनल खुलवाना है मेरा ख्याल है इन्होंने कोई। लेकिन लड़का ये कहता है कि मेरी शादी सादा और घरेलू लड़की से हो, मुझे प्रोफेशनल लड़की नहीं चाहिए। इस सूरत में अगर लड़का अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी कर ले तो इसमें शरीयत का क्या हुक्म है? जबकि लड़की वालों का ये कहना है कि लड़का अपने घर वालों को एक बार लड़की के घर लेकर आए शब्बीर साहब इंडिया से। एक तो हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, शब्बीर भाई, ये शब्बीर ही है ना? हाँ शब्बीर भाई है। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इनको पता ही नहीं कि आप कौन सा काम किस लिए कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखो, मैं आप अपने घर वालों को समझाएंगे, मेरा क्लिप सुनाएं उनको, कि एक आदमी के गुर्दे में पथरी है, वो ये शर्त उसके वालदैन उसको लेके जाते हैं, चल बेटा वो एक बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट है किडनी का, उसके पास हम लेके जाते हैं। लड़का कहता है कि नहीं, किडनी का मैं वो स्पेशलिस्ट से इलाज कराऊंगा जिसके तबलीगी जमात में 4 महीने लगे हुए हों, या उसकी शक्ल अच्छी हो, वो खूबसूरत डॉक्टर हो, या उसकी दाढ़ी हो नाफ तक। तो घर वाले ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? कमबख्त तूने किडनी का इलाज कराना है या तूने अपना ईमान बढ़वाना है? तुझे उसकी शक्ल से क्या वास्ता? तो यहाँ यही काम घर वाले बच्चे के साथ कर रहे हैं। जब किसी लड़की से कोई मर्द शादी करता है ना, तो सबसे बड़ी मसलहत उस निकाह में घर बसाना होती है, कि घर चलाने वाली कोई खातून उसको चाहिए, जिसको हाउस वाइफ कहा जाता है, होम मेकर कहा जाता है, घरदारी वाली। तो मर्द का बड़ा मकसद निकाह से ये होता है। तो अगर आप शादी करके किसी लड़की को घर में लेकर आए, वो घरदारी ही नहीं जानती है, तो इलाज आप यानी डॉक्टर की शर्त लगा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर लड़की चाहिए, तो आपने इलाज करना है उससे क्या? आपको इंजीनियर लड़की चाहिए तो क्या मतलब? आपने कोई सिविल इंजीनियर चाहिए आपको, या आपको कोई मैकेनिक की फील्ड से वाबस्ता चाहिए? तो करना क्या है आपने? एक साहब इसी तरह मुझे बार बार कहते हैं, मैं तो रिश्ते नहीं कराता, 8-10 साल पुरानी बात है, उनको अपने बेटे के लिए लड़की चाहिए डॉक्टर, बार बार डॉक्टर डॉक्टर, जब बार बार उनको इतने रिश्ते दिखाएगा, उन्होंने कहा डॉक्टर चाहिए। तो एक दिन मैंने कहा हजरत, अगर आपको इलाज का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जानने वाले बहुत से डॉक्टर हैं, मैं उनका नंबर दे देता हूं, आपको बहू से ही क्यों इलाज करवाना है? कहते नहीं नहीं मैं बहू से इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं बहू से। मैंने कहा फिर आपको क्यों चाहिए बहू ऐसी जो डॉक्टर हो? तो ये एक अजीब सा दिमाग में जो है ना, एक पता नहीं कहां से फुतूर आ गया है। तो मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टर लड़की से आप शादी ना करें, इंजीनियर लड़की से आप शादी ना करें, मैं नहीं कह रहा ये। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप शादी में अपना पर्पस देखें, कि आपका बुनियादी मकसद क्या है। सबसे बेहतरीन और कामयाब शादी वो है जिसमें भी बीवी आपके घर को और आपके बच्चों को संभाल ले, वो आपसे मोहब्बत करे, आपकी खिदमत करे, आपके घर को संभाल ले। वो अगर वो आपके घर को नहीं संभाल रही तो आपको उसकी एजुकेशन का कख भी फायदा नहीं है, इल्ला ये कि आप लालची हैं और आपने उससे पैसे कमाने। तो या किसी का मकसद ये है कि मैं क्लिनिक खुलवाना चाहता हूं, एक डॉक्टर अगर डॉक्टर लड़की से शादी कर रहा है और वो कह रहा है कि यार मैंने फ्यूचर में हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल में मैं एक डॉक्टर लड़की से शादी इसलिए कर रहा हूं कि मैं हॉस्पिटल उसके हवाले करूंगा, तो भी बात समझ में आती है, अगरचे उसकी घरेलू जिंदगी फिर भी डिस्टर्ब होगी, ये जहन में रखें। वो हॉस्पिटल तो अच्छा चलवा लेगा अपनी वाइफ से, लेकिन घर का मामला उसका हो जाएगा खराब। तो ये काम बिल्कुल खोपड़ी में आने वाला नहीं है और बहुत ही एक अजीब सी हिसाब किताब है। मैं कहता हूं डॉक्टर या इंजीनियर लड़की से शादी वो करे जिसका 4 शादियों का प्रोग्राम हो, कि चलो घर के लिए तो उसकी एक बीवी घर में मौजूद है, उसके बच्चों को संभाल रही है और उसके घर वालों को संभाला हुआ है, और इसकी जो है ना जो भी एक मर्द की ख्वाहिश होती है कि मैं जब घर में आऊं तो मेरी बेगम ऐसी होनी चाहिए, तो वो पूरा घर का साहब घर सफर पे हो तो उसको घर की तरफ से मुतमइन हो। तो दूसरी कर ले, चलो यार वो एक बीवी तो मेरी ऐसी, दूसरी मैं चूंकि डॉक्टर हूं तो मैंने क्लिनिक भी खोलनी है, तो मैं चाहता हूं कि 12 घंटे मैं क्लिनिक में बैठा करूं, 12 घंटे मेरी वाइफ, जैसे कबूतर और कबूतरी के 12-12 घंटे ड्यूटी लगती है, खैर सॉरी ये मिसाल यहां फिट नहीं आती, लेकिन 12 घंटे मैं हॉस्पिटल में बैठूंगा तो 12 घंटे मेरी वाइफ हॉस्पिटल चलाएगी। और या कि जैसे कोई आदमी कॉलेज खोलना चाहता है तो बहुत एजुकेटेड लड़की से उसने शादी की है कि मैं उसको एक कॉलेज का वीमेन कॉलेज खोलना चाह रहा हूं, उसका प्रोफेसर बनाऊंगा, इस तरह का कोई विजन हो किसी का, तो फिर दूसरी या तीसरी शादी के लिए ठीक है भी डॉक्टर कर ले, इंजीनियर कर ले, किसी प्रोफेसर से शादी कर ले, कि जी मैंने घर हाउस वाइफ रखनी नहीं है क्योंकि हाउस में एक वाइफ मेरी ऑलरेडी मौजूद है, तो मैंने अब किसी और पर्पस के लिए निकाह करना है। जैसे एक बहुत बड़ी दीनी तंजीम के सरबरा से मेरी भी मुलाकात हुई, उन्होंने दूसरी शादी की है किसी बेवा से, और वो बेवा क्या है कि वो एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर है, वो तो उनकी शादी का पर्पस ही ये था कि भाई ये घर के लिए नहीं है, ये मैं लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए, लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए मैंने इस खातून से शादी की है, ताकि ये लड़कियों को वर्कशॉप करवाए, तो ये अच्छा पर्पस है। लेकिन जिसने एक ही निकाह करना है तो उसके लिए तो भाई सबसे पहले तो अपने घर को आप फोकस करें, जो बच्चे कौन पालेगा आपके, और बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए लड़की को घर चलाने के लिए। वो अगर जॉब कर रही है वो घर नहीं संभाल सकती, सारा घर का निजाम डिस्टर्ब हो जाता है, आदमी टेंशन में जाता है। मैं ऐसे घरों को जानता हूं, मियां भी सुबह निकलता है जॉब पे, बेगम साहब भी सुबह जॉब पे निकलती है, रात को दोनों की थके हुए होते हैं, मुलाकात होती है, तो ये तो होटल हो गया ना, होटल में मिल रहे हैं, घर तो वो होता है जिसको पीछे कोई संभालने वाला हो, और मर्द आ रहा हो तो बेगम उसका इंतजार कर रही हो, उससे पूछ रही हो आप लेट क्यों आ रहे हैं, वो पहले आ रहा है बेगम साहब, उससे भी 1 घंटा लेट आ रही है। तो एक ये गैर फितरी सा निजाम है, तो ये कुछ शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तो सबसे पहले निकाह में जिस चीज को तरजीह देनी है, लड़की का खानदान के अखलाक अच्छे हों, क्योंकि अखलाक अच्छे नहीं है तो जिंदगी आपकी बहुत ही बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, सरीकेदारी। पहले जो खवातीन जब निकाह का पैगाम लेके जाती थी ना, तो जिस लड़की के यहाँ जाती उनका किचन देखती थी, उससे अंदाजा लगाती थी इनका सलीका सफाई है या नहीं है।
तो सलीका देखना है, पर्दा देखना है, उसका नमाज देखनी है, दीनदारी देखनी है, ये सब चीज़ें देखने के बाद शक्ल सूरत भी एक बहरहाल वैल्यू रखती है, कोई इसमें दिलचस्पी लेता है तो शक्ल सूरत भी देख सकता है। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें ये दूसरे दर्जे में है। तो मैं आपके घर वालों को नसीहत ही कर सकता हूँ कि ये अजीब काम कर रहे हैं, लड़का वो चाह रहा है कि मुझे एक घरेलू लड़की चाहिए जो मेरा घर संभाले, और आप डॉक्टर तलाश कर रही हैं, तो ये कुछ खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। तो इसको पहली शादी आप करने दें, इसी तरह दूसरी के लिए किसी डॉक्टर से करा दिएगा आप इसकी, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इंशाल्लाह क्लिनिक इसको हम खोल के देंगे, मैं तो नहीं, यानी आप लोग खोल के देंगे इसको, तो हंसी खुशी जिंदगी इंशाल्लाह इनकी गुजरेगी। रहा शब्बीर भाई का ये मसला कि अगर मैं घर वालों से पूछे बगैर शादी कर लूँ, तो घर वालों से पूछे बगैर शादी अगर वो आपकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं तो आप शादी कर तो सकते हैं, जायज़ है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, वो फिर बहू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, आपकी अम्मा आपके अब्बा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो मसाइल वो आप जाने, आपका खानदान जाने, मैं शरीयत का मसला बता सकता हूं कि जायज है, बाकी साइड इफेक्ट क्या है वो देखकर आप फैसला करें।